रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर एक और अपडेट है। सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आ गया कि चैलेंज तो हम लोग मान के ही चल रहे हैं, सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रायपुर दक्षिण सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट है। रायपुर दक्षिण की सीट भाजपा भारी मतों से जीतेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि रायपुर दक्षिण सीट जहां पर उपचुनाव होना है भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि चैलेंज तो हम लोग मान के ही चल रहे हैं और सामने वाले को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्या कहा है सीएम विष्णुदेव साय ने, सुन लीजिए। अब चैलेंज तो हम लोग मान के ही चल रहे हैं, कहे कि सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी की है। अभी जो लोकप्रिय सांसद हैं बृजमोहन जी, लगातार उस सीट से 8 बार विजयी हुए हैं और पिछले बार के विधानसभा चुनाव में करीब 65,000 मतों से विजयी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है और निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण की सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोमन मेरे सहयोगी एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। कोमन, सीएम विष्णुदेव साय ने कह दिया है कि देखिए किसी को कमजोर भी नहीं समझना चाहिए, कभी भी ये स्पोर्टमैन स्पिरिट बताता है, लेकिन वही उन्होंने एक मैसेज भी कांग्रेस को दे दिया है कि ये सीट तो हमारी है, क्या समझा जाए इससे? देखिए, दो तरीके की चीज मुख्यमंत्री ने संदेश देने का प्रयास किया है। एक तो हल्के में कांग्रेस को नहीं ले रही है और यही कारण है कि बूथों से लेकर तमाम नेताओं के साथ लगातार बैठक का दौर जारी है। खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है और उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कोर कमेटी की पिछले दिनों आपको याद होगा रात को 9 बजे बैठक हुई थी। तो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि लगातार वह भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में जीतते हुए आ रही थी और कांग्रेस पार्टी अब तक वहां से 8 बार से जीत नहीं पाई है। तो यही संदेश देने का प्रयास मुख्यमंत्री ने अपने बयानों के माध्यम से किया। दूसरी ओर ये कहा है कि रिकॉर्ड मतों के साथ जीतेंगे। जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल पिछले 8 बार से लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आए थे, बड़े मार्जिन के साथ वो जीतते हुए नजर आए थे, तो मुख्यमंत्री ने दूसरा संदेश देने का प्रयास ये भी किया है कि इस बार भी रिकॉर्ड मतों से जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन के आएगा वो जीतकर सामने आएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर काफ़ी लंबे समय से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। मंडल से लेकर तमाम अलग अलग लेवल के नेताओं के साथ बैठक किया जा रहा है, नामों पर मंथन किया जा रहा है, मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है, ताकि कोई भी कमी न रह जाए। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने आज कह दिया है कि एक बड़े मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। दूसरी ओर कांग्रेस को कमजोर नहीं आंकने की बात उन्होंने कही है। रसिका,